बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर मुसलमान की दिली मुराद ये होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा हिजाज मुकद्दस का सफ़र ज़रूर करे। जी हाँ, मक्का और मदीना दो ऐसे शहर जो कि मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। दीन इस्लाम का आगाज़ मक्का से शुरू हुआ, मदीना तक पहुँचा और उसके बाद फैलता फैलता आज इस्लाम दुनिया के हर कोने हर गोशे तक पहुँच चुका है। लेकिन हिजाज़ मुकद्दस आज एक जदीद कौमी रियासत में आते हैं जिसका नाम सऊदी अरब है। खिलाफत उस्मानिया के टूटने के बाद बादशाह सऊद ने सऊदी अरब के मुकम्मल इलाके पर बरतानिया की मदद से कंट्रोल हासिल कर लिया और इसके बाद से लेकर अब तक उस रियासत का नाम सऊदी अरब है जिसमें मक्का और मदीना के दो मुकद्दस तरीन शहर आते हैं। आज के मुसलमानों को अगर मक्का और मदीना जाना है तो उन्हें सऊदी अरब का वीज़ा लगवा कर जाना पड़ता है। सऊदी अरब के बादशाहों ने सऊदी अरब में शरीयत के कानून के निफाज का ऐलान बहुत अरसा पहले कर दिया था। उन्होंने उम्मते मुस्लिमा को यकीन दिलाया कि हम हिजाज़ मुकद्दस के कस्टोडियन हैं, उसके निगेबान हैं। हम आपकी हज की तमाम जरूरियात को पूरा करने के साथ साथ मक्का और मदीना की हिफाजत के जिम्मेदार भी हैं। आप हमारे पीछे खड़े रहिए और आलमी फोरम्स पर भी हमारी हमायत जारी रखें। तमाम मुसलमान ममालिक ने तब से लेकर आज तक सऊदी अरब की भरपूर इमदाद भी की है। ने सऊदी अरब को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा लाहक हो, मुसलमान ममालिक इसको अपने ऊपर ख़तरा तसव्वुर करते हैं, अपने ऊपर हमला तसव्वुर करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में होने वाले जो चंद फहाशी के काम हैं जिनका शरीयत के साथ कुछ लेना देना नहीं है। सऊदी बादशाह बार बार यकीन दहानी तो करवाते हैं कि यहाँ शरीयत का निफाज है, लेकिन दर हकीकत हालात कदरे मुख्तलिफ हैं। बाकी मुसलमान ममालिक की नस्बत तो हालात काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन आज भी हिजाज मुकद्दस उस मुकद्दस सरजमीन के इर्द गिर्द सऊदी हुकूमत ने कुछ ऐसे कानून बना रखे हैं, कुछ ऐसी छूट दे रखी है जिसकी वजह से आज वहाँ पर ऐसे अमल हो रहे हैं जो कि अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद हैं। आज से 1400 साल पहले ऐसे ही आमाल का खात्मा उस मुकद्दस सरजमीन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने किया था, लेकिन सऊदी बादशाह वो तमाम आमाल आहिस्ता आहिस्ता वापस उस सरजमीन के अंदर लेकर आ रहे हैं जो कि तमाम मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और हमारे लिए इंतहाई तकलीफ दे है। सबसे पहले शराब की बात करें तो जब शराब का हुक्म आया, अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम के जरिए वही भेजी कि मुसलमानों पर शराब को हराम करार दे दिया गया है। तो आपको मालूम है कि तारीख इस्लामी में आता है कि सहाबा ने अपने घरों में मौजूद शराब के मटके मदीना की गलियों में ला फेंके और मदीना की गलियों में हर जानिब शराब हो गई। यानी सहाबा ने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए शराब से तोबा कर ली और शराब का कभी फिर इस्तेमाल नहीं किया। आज उसी सरजमीन में सऊदी बादशाह शराब पर छूट दे रहे हैं। 27 जनवरी 2018 को जारी होने वाली एक रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया था कि सऊदी अरब में कायदो जवाबित के तहत अब शराब की फरोख्त हुआ करेगी। सामईन, ये तो हुकूमती पॉलिसी थी कि कायदो जवाबित के तहत शराब फरोख्त हुआ करेगी, लेकिन ये बात याद रहे कि सऊदी अरब में आज भी वो मकामात जहाँ पर गैर मुल्की रहते हैं, जहाँ पर गैर मुल्की कंपनियाँ हैं या गैर मुल्की फौजियों की बेसें हैं, वहाँ पर आज भी शराब का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में अमेरिका की एयरबेस है तो वहाँ पर शराब ममनून नहीं करार दी गई, बल्कि सऊदी हुकूमत ने शराब पीने की इजाज़त दे रखी है। इसी तरह से सऊदीया का नियॉम प्रोजेक्ट, उसमें भी उर्दन और मिस्र के इलाकों में शराब की गुंजाइश दी जाएगी, शराब की इजाज़त दी जाएगी। नेज फिलहाल दावा तो ये किया जा रहा है कि शराब की इजाज़त सऊदी इलाकों में नहीं होगी। उसके बाद अगर बात की जाए सिनेमा की, तो ख़वातीनों ज़रात आप जानते हैं कि सिनेमा के ज़रिए आजकल किस कदर फहाशी और उरियानी फैलाई जा रही है, मुसलमानों के जहनों को ख़राब किया जा रहा है और मगरिब का प्रोपेगेंडा टीवी स्क्रीन के ज़रिए मुसलमानों के दिमागों में उंडेला जा रहा है। सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में सिनेमा पर से पाबंदी हटा दी और गुंजाइश निकाल दी कि सऊदी अरब में नाफिज होने वाली शरीयत में सिनेमा की गुंजाइश मौजूद होगी।
दुनिया ने देखा कि जब सिनेमा की इजाज़त दी गई तो किस तरह से सऊदी आवाम लाखों की तादाद में सिनेमा की जानिब लपके और मगरबी मीडिया ने इस बयान को या सऊदी हुकूमत के इस फैसले को बेहद सराहा। सामईन वो तो चाहते हैं कि इस मुकद्दस सरजमीन में वो तमाम रवायात, वो तमाम फहाशी और उरियानी वापस लौट आए जिसको इस्लाम ने ख़त्म करके दुनिया को एक अजीम मॉडल दिया था। तो सऊदी अरब की सो कॉल्ड इस्लामी फलाही रियासत के अंदर इस वक्त फहाशी के ये दो काम उरूज पर हैं जिनकी इजाज़त दे दी गई है। इसके साथ साथ सऊदी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल एक और बेहयाई की इजाज़त दी जो कि मर्द व ख़वातीन के मखलूत कॉन्सर्ट्स है। जी हाँ, आज से पहले सऊदी अरब में ऐसे किसी किस्म के गुलकारों के कॉन्सर्ट नहीं हुआ करते थे जहाँ पर गाने बजाए जाते हों, लेकिन सऊदी हुकूमत ने जदीद सऊदी अरब के नाम से जो एक नया मंसूबा लॉन्च कर रखा है उसके तहत सऊदी अरब में अब गाने बजाए जाएंगे और हिजाज़ मुकद्दस की वह मुकद्दस सरजमीन जहां पर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलात मौसीकी को तोड़ देने का हुक्म दिया था, आज वहां पर लंदन और पेरिस के गुलकार आते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं। सऊदी अरब के बाशिंदे उन मखलूत कॉन्सर्ट्स में ना सिर्फ शिरकत करते हैं बल्कि मगरबी मीडिया से दाद भी समेटते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस फहाशी और बेहयाई और उरियानी के बाद सऊदी अरब की अगली नस्ल का क्या हाल होगा। क्या ये क़यामत की निशानियां नहीं हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में ये नहीं कहा था कि इस्लाम को इस मुकद्दस सरजमीन से भी ख़त्म कर देने की साजिश की जाएगी? ये हदीस का मफहूम है और इस्लाम इस मुकद्दस सरजमीन से भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में से किस तरह से इस्लाम को ना सिर्फ ख़त्म कर दिया गया है, उनके ख्यालात को जदीद तहजीब ने अपने शिकंजे में ले लिया है। सिर्फ दुनिया भर में फैले मुसलमान नहीं बल्कि वो सरजमीन जहां से इस्लाम फैला था उस सरजमीन के रहने वाले भी अब इस्लाम से नावाकिफ नज़र आ रहे हैं। जदीद दौर के नाम पर इस्लाम में गुंजाइशें पैदा करने पर तुले हुए हैं, कुरान और हदीस की सरीह खिलाफ वर्जी पर उतरे हुए हैं, नेज अल्लाह से बगावत किए हुए हैं। मोहतरम ख्वातिन हज़रात, कुछ लोग समझते हैं कि अल्लाह से बगावत करके वो मुआशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे। सऊदी हुकूमत का भी यही मानना है कि अल्लाह से बगावत करके वो मुआशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे, लेकिन ये बात एक मुसलमान को तो हज़म नहीं हो सकती। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में और हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार बतलाया है कि हमारी दोनों जहानों की कामयाबी यानी दुनिया और आखिरत की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के दीन में है। जिस कौम ने अल्लाह के दीन को छोड़ा, अल्लाह पाक ने उससे तरक्कियाँ भी छीन लीं, उससे इज्जतें भी छीन लीं। अलामा इकबाल ने क्या खूब कहा था हमारे असलाफ के बारे में कि वो मुअज्जिज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तू ख्वार हुआ तारिके कुरआन होकर। ये शेर इसका एक एक हरफ मुसलमानों के जवाल की दास्तान का पोस्टमार्टम करता है, हमें बताता है कि आज हम दुनिया में अरबों की तादाद में होने के बावजूद यानी 2 अरब मुसलमान होने के बावजूद भी जलीलो ख्वार क्यों हो रहे हैं। हमारे सरों पर एटम बम बज रहे हैं, हमारे सरों पर अमेरिका, इसराइल और बरतानिया की अफवाज मिसाइल दाग रही हैं, लेकिन हम अपने ही लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हम तड़पते तो ज़रूर हैं लेकिन हमारे अंदर से गैरत का मादा ख़त्म हो चुका है। इसको वापस बहाल करने का एक ही हल है कि कुरान और सुन्नत से जुड़ जाया जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इस दीन को यानी दीन इस्लाम को मयार बना लिया जाए, नेज किसी भी जदीद तहजीब को ठोकर मार दी जाए, उसको ज़रा अहमियत ना दी जाए बल्कि इस्लामी कवानीन और इस्लामी उसूलों को अपना लिया जाए। ब्रोनाई बन जाएं, इस्लामी कवानीन को, शरीयत को अपना लें। अगर आप अपनाएंगे तो आप जाहिरी बात है ये पूरी दुनिया मगरिब की ये मादी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। इस प्रेशर को आपने बियर करना है। अल्लाह वालों ने हर दौर में किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हक की दावत शुरू की तो उनके अपने रिश्तेदार उनके खिलाफ हो गए, उनको शेब अबी तालिब में 3 साल के लिए महसूर कर दिया गया, लेकिन रसूलुल्लाह अपने दावे से हटे नहीं, अपनी दावत से पीछे नहीं हुए। और फिर दुनिया ने देखा, इस ज़मीन की, इस कायनात की तारीख ने देखा कि मक्का से वो चले मदीना पहुँचे और मदीना से उनके असहाब चलकर मशरकी चीन तक और मशरकी चीन से लेकर मगरबी यूरोप तक पहुँचे, और आज उनके दीन का चर्चा पूरी दुनिया में है, लेकिन आज मुसलमान में वो हरारत, वो जज्बा बाकी नहीं रहा
जिसकी वजह से मुसलमान गालिब की बजाय मगलूब हो चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने दीन के इस अजीम मकसद के लिए इस्तेमाल करे। हमारी जान, हमारा माल और हमारी औलाद दीन इस्लाम की फलाह, इसकी बहबूद और इसके फैलाव का बायस बने और हमारी जिंदगियों में ही हम दीन इस्लाम को इस दुनिया पर गालिब करने में कामयाब हो जाएं। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।